टिंकू भाई तो अपने मैटर से लग रहे थे, उसने ना बीटेक कर रखी और वो चाय बेच रही है। गाइस हमें ना गार्ड देख रहा पीछे से, ये क्या कर दिया मुंबई को, एक बॉल पे दो रन चाहिए। ये देखो भाई कराई बॉल, ये कराई ये। हेलो गाइज, माय नेम इज अमन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइज स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमन मालिन में। तो गाइज एक आध दिन से व्लॉग शूट नहीं करा, आपको मैंने बताया था तबीयत खराब चल रही थी, आपने व्लॉग व्लॉग देखा हो। तो अभी टाइम कुछ बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं, और अचानक से प्लान बना है। और एक ना कोई चाय वाली है फरीदाबाद में, कोई लड़की है जो चश्मा उश्मा लगाती है, बी टेक चाय वाली फरीदाबाद में, कह रही चाय वाय बनाती है, बहुत फेमस हो रही है उसकी रील वील। तो पता नहीं जाके देखेंगे कौन है, 20 रुपए की चाय देती है वो। और बाकी लड़के बाइक बाइक से पहुंच गए, हम जा रहे हैं गाड़ी से तीनों, टिंगवा एम्स नीचे खड़े। तो पहुंचते फिर आपसे बात। ये प्रिंस भाई बीटेक वाली की चाय पिला रहे थे भाई, चाय क्यों नहीं पिला रहे अब भाई? बंद है यार, ऐसा करो मतलब, पता नहीं कौन है वो लड़की। अरे वो है तो भाई बस कोई है, इंस्टाग्राम पे फेमस है वो, इंस्टाग्राम पे फेमस है। हां यार तेरे को पता है बीटेक चाय वाली कौन है फेमस है? आई डोंट नो, तुझे पता है? और टिंकू भाई तो अपने मैटर से लग रहे थे। तुझे पता है मैं तो आता रहता हूँ ओमेक्स, ठीक है? इसका तो ओमेक्स में फ्लैट है, अपना घर जैसा है, ठीक है? तो कह रहे तूने सुना है, तूने सुना है क्या वो बीटेक चाय वाली इसमें? है? अरे यार बता ना यार, चलना कहाँ है? कहाँ चलना है बताओ। सुनो मैं तो मंदिर चलने हो तुम्हारे भाई, बीटेक चाय वाली की दुकान तो बंद पड़ी है, वो सोच रहे सिद्धार्थ घूम जाए बस, सिद्धार्थ आश्रम भी बंद हो गया होगा। आइस कोन की सोच रहे हैं, आइस कोन 9 बजने वाले हैं, वो भी बंद होने वाला होगा। भाई 9 बजे आइस कोन बंद होने वाला होगा, 9 बजने वाले। सिद्धार्थ आश्रम चटक लो, सिद्धार्थ आश्रम भी बंद हो गया होगा। एक बार ही देख के आते हैं सिद्धार्थ आश्रम, ये भी है। चलो चलो सिद्धार्थ आश्रम देख के आते हैं, चलाने वाला। हाँ तो भाई हम आ गए दोबारा सिद्धार्थ आश्रम, पहली बार सूरज कुंड से बाहर आ गए हैं, पहली बार सूरज कुंड से बाहर आ गए। सूरज कुंड से अभी आए थे, कल परसों ही आए थे घूमने। और क्या ना रात में ना खाना वाना मिलता, अगर खाना मिल गया तो खाना वाना खा लेंगे, इसलिए हमने गाड़ी में उतारा। वो प्रिंस भाई जो क्या कहते हैं वो बीटेक की चाय वाली पिला रहे थे, बीटेक की डिग्री भी होती है ब्रो। अमन भाई तुमने गाड़ी आगे कर ली, बीटेक कर रखी है और वो चाय बेच रही है। हां वो एमबीए चाय वाला से इंस्पिरेशन ले रखी तूने ना, एक चीज समझी, वो ना ठेला लगा के चाय बेच रही है और वो फेमस हो रही है, ठीक है? बहुत ज्यादा बंदे इतना पैसा लगाते थे ना, उनका कोई सीन नहीं है। तो अभी जा रहे हैं अंदर, हल्का हल्का छूट करके ठट्ठस में दिखाएंगे दोबारा से। देखो यहाँ पे चोर पकड़ने की मशीन है, अमंग चोर पकड़ने का बंदा। ये देखो ये नहाते हैं नहीं, हाथ धो के दिखा रहे हैं, फॉर्मेलिटी दिखा रहे हैं। हाँ मुझे तो जानते ही हो, तो मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। देखो बच्चा कितना गुजरा, ठंडे पानी से पैर धोके। भाई देखो ये लाल लाइट है, इसका मतलब अरे हरी कैसे हो गई, पीली से हो गई, अच्छा मतलब बदलने वाला लाइट है। ये देखो भाई ये लिखा है पानी पीने का। अरे एक ओए ब्रो, घर पे ना आए यही बल्ले सारा, वो बंदा कितना भर भर के हाथ धो रहा है। शर्ट गीली कर दी अभिषेक ने मेरी पूरी, मेरे को मजा आया। रात का व्यू देख लो, दोपहर में तो सीन भी था, शूट वूट नहीं करने दे रहे थे, यहाँ तो आपको दिख भी नहीं रहा। अब वहाँ देखो भाई, वहाँ चलता खाना, वहाँ से जाते हैं। देखो भाई ये है, हाँ भाई ये नाइट का व्यू कितना प्यार लग रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और ये देखो ये है यहाँ का बाबा, इसको ना सब बहुत मानते हैं यहाँ पर। हाँ भाई मजा आई खाने में, भाई खाना वाना खा के सेट हो गए, अब निकलेंगे घर के लिए। खाना एकदम मस्त, पता क्या था, कढ़ी आलू सब्जी रोटी चावल और दाल और थे क्या नाम है बूंदी। तो भाई खाना वाना खा लिया है, क्या ले मामे? बाबा क्या ले सलाद में ज्यादा तो मजा आया था, खीरा यहाँ पे। हाँ तेरे घर का है सलाद मांग रही है यहाँ पे, कल सब चिपल हो रही है, काट के लाएंगे टिंकू भाई, पूरा भर गया है। मन तो कर रहा है रोज यहाँ करे, मजा बहुत आया भाई खाने में। ओए ये क्या कर दिया, ओए मेरे जूते, भाई ब्लॉग में भी ले रहे थे, अब रुवाई देख लेंगे। तोड़ दिया भाई, नहीं चिपका नहीं मैं क्यों करूंगा, मैं तो अंदर बैठेंगे। तो भाई खाना वाना खा लिया सेट, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिलहाल आज मजा है, रात में ना यहाँ पे आने का मजा आता है, अगर आप भी आसपास कहीं रहते हो तो आओ।
ये रही भाई देखो चप्पल पैर के आए थे भाई गाड़ी में उतार दी वहाँ जमा करवाते हमने भी देखा मजा का मैडम भाई ये वाला सिस्टम है खाना वाना खा के हो गया सारे भाई डन अब निकल रहे ऐसे दोस्त होते ना ये गाने चला के ना कॉपीराइट लाना चाह रहे हैं वीडियो में ठीक है तो भाई वो है एक स्कूटी एक बाइक से अब कहाँ अमेरिका जाएंगे कहाँ चले भाई अमेरिका घर चले कहीं चाय वाय की दुकान पे लगा रहे बैठक अरे ये तो इरोज में कहीं बता रहे थे ना चाय की वो तो बैठक है चाय की दुकान डेली डोज के पीछे भी है चाय की दुकान वहीं चल लेते हैं इरोज में चाय वाय पी के फिर दो मिनट का खेले चाय तो ऐसा कर लो चलो भाई इरोज लगा लो चलो इरोज में कहाँ पर अरे इरोज डेली डोज के पीछे यार मोहन पे लगा तू बस मोहन पे गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत है वहाँ अरे काली मंदिर के सामने वहाँ पे हो जाएगी अरे दिक्कत है और अरे हो जाएगी हम करवाएंगे कड़ी बात खत्म तो वहाँ है क्या भाई वहाँ पर डेली डोज अभी कहीं पहुंच जाए फिर आपसे बात करते हैं तो भाई अभी पिला रहा है देख खिलखिला क्या चला जैसे 5 रुपए पा गए ये दांत में पीलापन जैसे पालक खाई हो भाई तो मेट्रो चला गया जब फोन देखो लोग बनाओ भाई का मेट्रो रामी क्या दिया थोड़ी सी पी भाई मुंह लगा दिया यार क्यों अभी तो 9 बजे क्या था ये ना पेप्सी बची पड़ी थी और एक भाई आए देखो मैं दिखा नहीं रहा ये भाई आए रोहित है मैं सीधा नाम ले रहा हूँ जो मेरी ख्याल रहता ठीक है भाई को पेप्सी पिलानी थी भाई मैं तो पेप्सी की बोल रहा हूँ इसकी कल को तबीयत खराब होगी ठंडी पेप्सी है तो इसके घर वाले तो मेरे से बोलेंगे ना ठंडी हो जाएगी पीलो नहीं ठंडी हो जाएगी इसके घर वाले तो मेरे से बोलेंगे ना किसकी तबीयत खराब होगी भाई भाई राम की टूटे ने दोनों क्लास में कर ली भाई दारू के मारे भाई तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है फाइनली घर पर और आज का काम हो चुका है खत्म व्लॉग व्लॉग अपलोड हो गया रील व्लॉग अपलोड हो गई है और अभी हमारे घर में देख रहे हैं मैच कौन सी टीम का मैच हो रहा है दिल्ली वर्सेस मुंबई कौन खेल रहा है मुंबई को एक बॉल पे 2 रन चाहिए 172 रन बनाए थे क्या मुंबई को एक बॉल पे 2 रन चाहिए जीत जाएगी यार मुंबई तो वैसे भी हर साल वर्ल्ड वो जीतती है T20 देखो गाइस बड़ा गंभीर मामला है ये एक बॉल 2 रन ये कौन कौन खेल रहा है डेविड वॉर्नर है क्या डेविड वॉर्नर ये देखो भाई ये कराई ये ओ सिंगल है जीत गए और भाई ये तो वो मांग रहे हैं रिव्यू मांग रहे हैं तो टीवी मांग रहे हैं तो एलसीडी दो तो भाई अभी मैच गंभीर चल रहा है मैच देखते हैं कौन जीता है ये अंबानी की तो टीम है भाई वो रिव्यू मांगे वो टीवी मांगे उसने एलसीडी ओ पेटीएम चल रहा है स्कैन कर दो पैसे मेरे नंबर पे पैसे करो स्कैन मेरे नंबर पे डाल ये पहुंच गए पहुंच गए भाई जीत गए ब्रो जीत गए मुंबई ने जीत गए भाई मेरे पे 10 रुपए का रिसीव का मैसेज आएगा ये लो भाई देख लो क्या है चीज मुंबई इंडियन जीत हुए जो जो मुंबई इंडियन का सट्टा लगाया था वो खुश हो जाओ भाई पैसे जीत गए तुम एक का डबल हो गया हमारे घर में सट्टेबाज है नो डाउट ये रहा जैस टाइम जीत गई अपनी टीम ये सट्टेबाज है 10 रुपए जीत गए ये भी चलो भाई तो भाई मुंबई इंडियन जिस जिसकी टीम थी जिस जिसने पैसा लगाया था तो भाई सबको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे को तो मैच वैसे कोई मतलब नहीं है और गाइस ब्लॉग शूट करने का आज कोई मन नहीं था क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी बट शाम में हमने सोचा मंदिर चले जाते तो मैंने बोला चलो ठीक है ब्लॉग शूट कर देते हैं तो ठीक है गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो हर जगह शेयर करो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब बेल आइकन का जो बटन है और करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू बाय।